एडिट वेडिट हमको करना नहीं आता, जितना वीडियो हम बना देते हैं मोबाइल से बना देते हैं, बाकी का काम है मैनेजर का चढ़ाना। काम से चैनल है मैनेजर, सुन लीजिएगा, आप सुनते रहिएगा। अब क्या करें, तो उसे लड़ाई करें आदमी से, अब गलती कर दिया मैनेजर तो हम मार करें। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो अक्षरा सिंह का पूरा वीडियो जो स्टेज शो का है उसमें से आप कट कर करके चलाए हैं, माइक के पैर पे म्यूजिक बजाने वालों को लगा भी कि ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, फालतू खाली झूठे बोलते हैं हम, तो इसलिए बोल दिए। तो डांटे ही अपने बार मैनेजर को। मैनेजर को आप पैसा नहीं देते हैं? देते हैं। तो फिर मैनेजर कैसे कुछ भी आपके नाम वाले चैनल पे चढ़ा देगा, आपके ऑफिशियल चैनल पे? अरे तो उसको उसके लिए कितना बात हो गया, बहुत डांटे उसको। कि माही मनीषा भी इससे पहले 70,000 रुपया लिए थी, नहीं आई थी, तो आप लाइव आके कुछ मतलब ऐसा? तो वो पैसा दे दी थी, वो पैसा दी थी। तो क्या अक्षरा सिंह लग रहा है कि आपको 3 लाख रुपया देगी? हाँ अश्वेश भैया, थोड़ा सा मुद्दा गंभीर है, हम कड़वा सवाल करेंगे। बोलिए। आज सारे लोग उस दिन से 24 तारीख से ही न्यूज चला रहे हैं और आप काफी ट्रोल भी हो रहे हैं। आपको नहीं लगा कि जो वीडियो चलाए थे पहले वाला उसमें कुछ पार्ट आप कट करके चलाए थे? हमारा वो काम नहीं होता है कट करके चलाना, हमको एडिट वेडिट नहीं आता है करने के लिए। तो फिर भी आप इससे पहले भी कोई आदमी चलाए है उस वीडियो को? अच्छा, ये भी जान लीजिए। हाँ ये कन्फर्म हम नहीं है कि हाँ, लेकिन इतना हमको पता है कि मेरा मैनेजर चढ़ाया है वीडियो। हाँ। लेकिन उससे पहले वो भी बोला कि इससे पहले भी कोई चढ़ाया है, अब पता चला है कि उससे पहले भी किसी और के चैनल पे तो चला वो ठीक है, लेकिन जब आपके चैनल पे एडिटर बोला होगा, चाहे एडिट करके आपके पास दिया होगा, चाहे आपको दिखाया होगा, तो आपको बोलना चाहिए ना कि मेन सवाल पे आइए, मेन मुद्दा पर आइए, बताते हैं आपको। हाँ। कि अक्षरा जी पहले गाना पवन सिंह का बजा, उसी समय उनका मूड खराब हो गया था। बोला गया कि कमरिया पत्रे पत्रे बजाइए, तो पवन सिंह का कमरिया पत्रे पत्रे बजा, ठीक है? तो ये बोली कि अरे बोका हो। हाँ बोका हो तो का, तो फिर वो बजाया अक्षरा सिंह का गाना, तो ये डांस भी की तब तक नीचे से कोई थोड़ा सा डांस की। हाँ तब तक देखिए, ये शुरू से ही मन बना के आए थे, इनको पैसा पूरा मिल गया था। हाँ। शुरू से ही मन बना, इनको हमको रास्ते में बोल दिए कि सुरेश कैसे जगह ले आए हो, आपको नहीं यहाँ पे प्रोग्राम करना है। हाँ। हम हाथ वाथ हिला देंगे और चले जाएंगे, तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। हम बोले नहीं दीदी ऐसा मत करिए, 2 घंटे का बात है, 2 घंटा होना पड़ेगा। कितना टोटल पैसा दिए थे? 551,000। लेकिन आप जो स्क्रीनशॉट पे दिखा रहे हैं, एक मिनट एक मिनट सुमित भाई रुकिए, जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं आप उसमें तो टोटल 551,000 का नहीं दिखा रहे हैं। तो हमारे पास है ना, वो नहीं दिया होगा लेकिन है मेरे पास। अच्छा टोटल मांग कितना हुआ, अक्षरा सिंह की तरफ से मांग कितना हुआ था? 5 लाख मांग हुआ था, उसके 51,000 बढ़ गया था लास्ट दिन। अच्छा फ्लाइट टिकट का, कि FIR का सूचना आपको कब मिला? अरे वो आयोजक लोग की है FIR। अच्छा आप पे? हम पे और अक्षरा जी पे। तो आप तो बोल रहे हैं कि कमेटी वाले आप पे बिलीव करके बोले कि अक्षरा सिंह को बुलाइए, आप अक्षरा सिंह से पैसा का बात किया, तो फिर आप पे क्यों FIR किए हैं? हम पे और अक्षरा जी पे, हम पे इसलिए FIR किए कि आप 2 घंटे का टाइम लेके बुलाए थे। हाँ। तो फिर 35 मिनट में क्यों भागी वो, इसका जवाब दीजिएगा आप। अच्छा आपसे जवाब मांग रहे हैं। अच्छा भैया एक बात, जब अक्षरा सिंह 35 मिनट में ही स्टेज पर से भागे, तो आप उनसे अनुरोध नहीं किए कि दीदी मेरा इज्जत का सवाल है, थोड़ा सा रुक जाइए? हम उस जगह ग्रीन रूम में थे और हम कपड़ा चेंज कर रहे थे, और उसके बाद हमको भेजना था गुंजन भैया को, कपड़ा चेंज कर ही रहे थे, तो पता चला कि अक्षरा जी नीचे उतर गई है। तो हम बोले कहाँ गई है, तो गई है वहाँ स्कूल पर। तो बोले ठीक है, हमारा कपड़ा बदल के हम निकले, तो बाहर पता चला कि चुपचाप निकल गई, बोली भी नहीं कि हम जा रहे हैं। अच्छा सुरेश भैया आप बता रहे हैं कि अक्षरा सिंह का 1 मिनट का 14,000 कुछ रुपया होता है और 35 मिनट के हिसाब से 1.5 लाख होता है, ठीक है? हाँ। तो क्या आपको लगता है कि जो 3 लाख रुपया, छोड़िए 51,000 छोड़ दीजिए, क्या 3 लाख रुपया अक्षरा सिंह रिटर्न करेगी आपको लग रहा है? वो लोग तो आयोजक लोग तो इसीलिए केस किए है ना। हाँ क्योंकि माही मनीषा भी इससे पहले 70,000 रुपया लिए थी, नहीं आई थी, तो आप लाइव आके कुछ मतलब ऐसा? तो वो पैसा दे दी थी, वो पैसा दी थी। तो क्या अक्षरा सिंह लग रहा है कि आपको 3 लाख रुपया देगी? देखिए नहीं देगी तो ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे ये लोग। हाँ तो आप तो बोल रहे हैं कि हम अपने अकाउंट से दिए थे पैसा।
हाँ तो हम अपने ही काम से दिए हैं, तो फिर वो लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, बात जो उनसे हुई हमारी। हाँ क्या भैया, कुछ लोग और भी ये बात बोल रहे हैं कि अच्छा जो शिवेश मिश्रा है इनका TRP घट रहा था, इनका चैनल नहीं चल रहा था, इसलिए अक्षरा सिंह को ट्रोल किए, ये कहाँ तक सही है? हेलो हेलो भैया, हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, क्या रास्ते में जा रहे हैं कहीं प्रोग्राम में, तो शिवेश भैया आगे आप एक्शन क्या ले रहे हैं? हम क्या एक्शन लेंगे भाई मेरे, हम क्या कर सकते हैं, उनका देना नहीं देना वो तो काम है, फर्ज है ना, इंसानियत होगा तो देंगे ही वो। भैया तुमसे मांग रहे हैं, लेकिन आपको धमकी मिल रहा है? धमकी तो मिल ही रहा है, क्या करेंगे उसके लिए? अभी बात बोलेंगे तो लोग कहेगा TRP के लिए बोल रहा है कि धमकी मिल रहा है। आप सोशल मीडिया पे पूरे तरह क्यों ले रहे हैं भैया? कुछ लोग आपको सही भी बता रहे हैं तो कुछ लोग आपको गलत भी बता रहे हैं भैया। क्या करिएगा, यही दुनिया है। अच्छा अक्षर सिंह की तरफ से आपके पास कॉल आया था? ना ना, उनके तरफ से नहीं आया। तो भैया आप पैसा का डिमांड करने के लिए आप उनसे कॉल किए कि दीदी आप हमको जो पैसा मेरा है वो आप रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि आप प्रोग्राम तो की ही नहीं? हमको ब्लॉक कर दिया है फेसबुक, व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर से। एक चीज शिवेश भैया से पूछना चाहेंगे कि प्रोग्राम अक्षरा सिंह का, आप अक्षरा सिंह पिताजी से टोटल बात किए, जब फिक्स हो गया? हाँ बिल्कुल। उसके पहले आप अक्षरा सिंह से कभी आप बात नहीं किए, तो आपको नहीं लगा कि अक्षरा सिंह हो सकता है कि आपके पिताजी अपने पिताजी का बात नहीं माने और स्टेज पे नहीं आए? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एक बार हमको बात हुआ था पहले, तो वो बोली थी कि मतलब हाँ कौन बोल रहे हो, बोलो बताए शिवेश, तो अच्छा शिवेश बोलो, तो दीदी ऐसे प्रोग्राम बात करना है, तो बोली कि ठीक है बात करते हैं, कब का डेट है, तो हम बताए, तो बोली कि ठीक है बताते हैं, तो फिर नहीं बताई, तो हम इनके पापा से बात किए, और जब इनके पापा से बात की तो पास आई, तो ये भी बोली कि ये शिवेश तुम हमको कहाँ लेके चले आए हो स्टेज पे, हम थोड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। और भैया आप एक बात और, भैया आप अपने वीडियो में एक बात और बोल रहा था कि हम जब अक्षरा सिंह को कॉल किए तो बहुत हमसे रूडली बात कर रही थी। हाँ हाँ ये तो सच्चाई बात है। एक चीज है, लेकिन मगहिया जवान जो गौतम सिंह राजपूत और समर सिंह राजपूत है आपको ट्रोल कर रहे हैं। हेलो शिवेश भैया, हेलो बोल रहे हैं कि गौतम सिंह राजपूत और समर सिंह राजपूत आपको ट्रोल कर रहे हैं, अभद्र भाषा में टिप्पणी कर रहे हैं, क्या लेके कहेंगे? हम कुछ नहीं कह सकते, वो कर रहे हैं तो हम थोड़े उस पे उनके पीछे जाएंगे करने के लिए, कुछ जो उनके उनका काम है करना, वो हमको अब क्या से क्या बोल रहे हैं तो उस पर हम क्या बोलेंगे, हम तो यही कहेंगे कि उनकी माँ मेरी माँ है, हम तो सम्मान करते हैं उनकी माँ का। एक दिन मैंने लाइव में देखा कि समर इनके गौतम सिंह के साथ आपने लाइव में जुड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल जुड़े थे, और मैंने देखा कि आप बहुत बढ़िया से बात कर रहे हैं, और आपने एक गलती का एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैं मेरे चैनल के द्वारा थोड़ा सा कट करके वीडियो डाला गया, तो फिर गौतम सिंह आप पे गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं भैया? अब उनकी मर्जी, उनको वीडियो चलाने का मन है, उनका भी मन हो गया कि वीडियो हम चलाते रहे। देखिए ना, हर 10 मिनट आधा घंटा पर डाल रहे हैं वीडियो, हर एक दिन में 2-3 वीडियो डाल रहे हैं। तो मतलब शिवेश मिश्रा के नाम पे अब सोशल मीडिया भी TRP कमा रहा है। हाँ क्या करेंगे, तो अब सब लोग सब कोई कर रहे हैं। शिवेश भैया आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो अक्षरा सिंह का पूरा वीडियो जो स्टेज शो का है उसमें से आप कट कर करके चलाए हैं? हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगा, उन्होंने कहा कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए बात खत्म हो जाएगा, तो हम तो नहीं आएंगे, एडिट वेडिट हमको करने नहीं आता, जितना वीडियो हम बना देते हैं मोबाइल से बना देते हैं, बाकी का काम है मैनेजर का चढ़ाना, ठीक है? और ये वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, वहाँ पर वीडियो चालू हुआ था, यानी कि सच्चाई बात यही है कि काम से चैनल है, मैंने सुन लीजिए, आप सुनते रहिएगा। अब क्या करें, तो उसे लड़ाई करें आदमी से, अब गलती कर दिया मैनेजर तो हम मार करें? मैनेजर तो बताइए, पैसा नहीं देते तो डांटे ही अपने बार मैनेजर को। मैनेजर को आप पैसा नहीं देते हैं? देते हैं, तो फिर मैनेजर कैसे कुछ भी आपके नाम वाले चैनल पे चढ़ा देगा, आपके ऑफिशियल चैनल पे? अरे तो उसको उसके लिए कितना बात हो गया,
बहुत दांत है उसको, बहुत है। लेकिन अब ये सोचिए आप कि अब दांत के मार तो नहीं देगा आदमी किसी को, नहीं फिर भी वो क्यों बोला, वो बोला कि हमारे पैर पर माइक गिरा, हमारे पैर में चोट लगा और इतना घमंड है कि किसी के देह पर फेंक के चल जाएंगे माइक को। नहीं अच्छा तो भैया ये माइक फेंकने वाला बात, ये जो माइक फेंकने के बाद जो जिसको चोट लगा भैया उसको मतलब कहाँ तक सही है, उसको क्या हुआ भैया? उसको पैर फूल गया था, अब तो ठीक हो गया है, अब तो ठीक हो गया है, पैर फूल गया था उसका, लगा भी कैसे क्या बोले? हाँ माइक से पैर पे म्यूजिक बजाने वालों को लगा भी कैसे ही बोल रहे हैं, नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, फालतू खाली झूठे बोलते हैं हम तो, इसलिए बोल दिए। हम तो बस पूछ रहे हैं, आरोप थोड़ी लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए थोड़े होता है। अच्छा बोल रहे हैं तो मतलब कुछ बात होगा तभी बोल रहे हैं। और साउंड वाला भी केस करेगा अक्षरा जी पर पर्सनली, जान लीजिए आप, उनका उसका माइक टूटा है ना, 65,000 का माइक था उसका, नुकसान हुआ तो केस करना फर्ज बनता है। आप पूरा पूरा साउंड बिहार का पूरा साउंड करेगा कि साउंड का अपमान किया है, तो पूरा साउंड वाला खपा है उनसे। तो एक बात और जान लीजिए भैया, हम लेकिन पहले सुन लीजिए भैया जी, हम लेकिन उन पर केस करने वाले नहीं है, हमारे ऊपर वो अगर एक्शन लेगी तब हम लेंगे अपना एक्शन। आप एक बात और जान लीजिए सुमित भाई, कहिए ना भैया, बोल रहा है कि जो अक्षरा सिंह है ईगो वाली औरत है, लड़की है, तो छोड़ बात तो छोड़ दीजिए आप सीरियस भैया, लेकिन घटना के बाद उनके पिताजी से आपका बात हुआ? नहीं बात नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बस नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या बात करें उनसे, क्योंकि मैं जो आप सोशल मीडिया पे भैया बोल रहे हैं कि हमको 3 लाख रुपया चाहिए, 3 लाख मतलब 5 लाख रुपया चाहिए, तो आप उनके उनपे उन तक आप बात रखेंगे भैया? आप उनको कॉल करके बोलिएगा तब ना वो हाँ या ना का जवाब देंगे कि हम पैसा देंगे या नहीं देंगे। जैसे माही मनीषा जब, जब जब आप माही मनीषा दी कि नहीं दी पैसा? तो दे दी, लेकिन यहाँ पे कमेटी का बात है, क्योंकि 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया चंदा बटोर के कमेटी बुलाया है, तो अक्षरा सिंह कमेटी भी कर रही है, कमेटी भी उन्हीं के अति में थी, ठीक ना? हाँ और हम लोग अक्षरा सिंह को भी नहीं छोड़ेंगे, मेरे चैनल पे जाइएगा और अक्षरा सिंह अगर आप सही होंगे तो अक्षरा सिंह को हम रगड़ के रख देंगे, ठीक है? क्योंकि ये बार बार देखिए आज हम गए थे वही मंदिर पर गए थे जहाँ प्रोग्राम था, अभी जाकर आए हैं और वहाँ पर मेरे आँख से आंसू भी निकला है, वो वीडियो आएगा देखिएगा, एक चीज तरह से वहाँ के लोगों ने मुझे बोला। अभी आप लाइन पे हैं, सुन रहे हैं, इससे पहले बड़े मजे से स्टेज पे नाचती थी, लोग उनके शरीर पे पैसा फेंकते थे, आपको पता होगा, लेकिन लोग बिल्कुल पता, हम वीडियो देखा। जब कलाकार स्टेज पे चाहे आप हो चाहे कोई भी कलाकार स्टेज पे चढ़ता है तो लोग खुशी से पैसा देता है, अगरबत्ती नहीं दिखाएगा। अरे वो पैसा तो पवन सिंह से भी फेंका जाता है, बड़ा बड़ा सुपर स्टार बॉलीवुड से लेकर साउथ तक पे, और खुशी तो उनको उसको रखते हैं क्योंकि प्यार होता है पब्लिक से। बड़े बड़े गजल गायक जो होते हैं ना, गजल गाते हैं हारमोनियम पर बैठ के, उनके पैसा उड़ता है लाखों लाख एक रात में। तो भैया ये बात है कि पवन सिंह से गाना से नाराज हुई कि पैसा से नाराज हुई? अरे सबसे बड़ा पवन सिंह गाने पर नाराज हुई, बात स्पष्ट है जी सी बस भैया, पैसा पहुँचना है तो अक्षरा सिंह भैया लाइव आकर बोल रहे हैं कि नहीं उनको पवन सिंह का गाना से मतलब, वो तो मुद्दा सीवीएस मिश्रा निकाल रहे हैं, उनको उससे तो उनका कोई मैटर ही नहीं है, बस हमको पैसा फेंका गया उससे दिक्कत है यहाँ तो ना। अरे कैसे भी जाने दीजिए, कैसे भी माइक फेंकी ना, क्यों फेंकी? हाँ ये तो है, लेकिन देखिए ना, वो आप में और अक्षरा सिंह में अब कंट्रोवर्सी चल रहा है, यहाँ पे दो ही आदमी है, तो आप सही है नहीं तो अक्षरा सिंह सही है, ठीक है? तो आप जैसे बता रहे हैं इसमें हम नहीं सही है और ना अक्षरा सिंह सही है, हाँ। जो सामने पब्लिक लाखों थी बैठी हुई वो सही है, उनसे जाके लीजिए पता चल जाएगा। अच्छा सब सही, क्या गलत क्या सही, कहाँ है? हाँ सुमित भाई जी भैया, जी भैया अभी आप कहाँ हैं? जी अभी हम गया में हैं भैया। अच्छा ये प्रोग्राम समस्तीपुर में कहाँ हुआ था? लगमा में, महेश सिंह या लगमा नहीं होगा तो कल हम लोग जाएंगे और वहाँ के जो कमेटी मेंबर होंगे मुख्य चीफ, उनसे बात करेंगे कि कितना पैसा में बात हुआ था, अक्षरा सिंह के अकाउंट में कितना पैसा एक्चुअली गया था। बिल्कुल। और वो पैसा सीवीएस मिश्रा का था या कमेटी का मेंबर का था? हाँ बिल्कुल, जाके आप पता करिए जी।
क्योंकि भैया हम लोग का काम बस एक को एक पे आरोप लगाना नहीं है, दोनों तरफ को हम लोग देखेंगे भैया, उसके बाद हम लोग फिर पूरा वीडियो बनाएंगे। प्रेसिंग गलत होगी, 100% सही। चलिए बाकी भैया, आपने उतना दिन आपने आपने स्टेज प्रोग्राम किया, आपने भी पैसा फेंका गया होगा, आपने भी कभी माइक फेंका दिया? भैया हम जाना मुझे फेंकेंगे माइक, क्या बात करते हैं जी, कोई कुछ गलत भी बोल देंगे तो भी माइक नहीं फेंकेंगे, क्या बात करती है जी भैया। ये बाकी भी आपको गुस्सा कहीं का रहेगा, कहीं निकाल दीजिएगा, ऐसा गलत ना बात है। अच्छा फिर बुलाइएगा ऐसे से को लो इजना मैंने। चलिए बाकी भैया इतना समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और बाकी बात हम आपसे पटना में आकर मिलेंगे भैया। ठीक है, जब कल या परसों हम कमेटी के आपको वहाँ का मेंबर से जाके बात करेंगे, फिर जैसी होगी फिर आपसे मिल के मुलाकात किया जाएगा। ठीक है, और अभी के लिए धन्यवाद भैया। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू देने के लिए जी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट भैया।